श्री गणेशाय नमः। जैन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामी रक्षे मांचल मांचला। ये मंत्र है मंगल सूत्र बांधने का, राखी बांधने का। ये राखी बंधन का जो चलन है, प्रथा है, शुरू हुई है राजा बलि के समय से, जब भगवान वामन अवतार में बलि से 3 पग जमीन मांग करके उन्हें सब कुछ छीन लिया था और पाताल भेज दिया था, तब भगवान विष्णु नारायण प्रसन्न हुए और राजा बलि से बोले कि मैं तुम्हारे दान से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। तो राजा बलि ने कहा, महाराज आपने मुझे पाताल में भेज दिया है, पाताल लोक का राज दिया है, सो आप मेरे राज्य में आकर के मेरे राज्य की निगरानी करो, चौकीदारी करो। कहते ठीक है, तथास्तु। और भगवान वामन जी, विष्णु भगवान, राजा बलि के दरबार में जाकर के उनके राज्य की रखवाली यानी चौकीदारी करने लगे। इधर वैकुंठ में नारायण के ना होने से लक्ष्मी जी व्याकुल, सारा संसार व्याकुल और त्राहि त्राहि हो गए। सब इसका हल सोचने लगे, भगवान कहाँ गए, किसी को पता ही नहीं। नारद जी त्रिकालदर्शी संजोग से पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास। कहने लगे वो तो वहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। कहते अच्छा, कहते फिर कैसे उनको लाना है। कहते ऐसा है, कुछ दिनों के बाद श्रावण की पूर्णिमा आ रही है, उस दिन रक्षा सूत्र बांधने का नियम चला आ रहा है बहुत समय से, सो आप रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को जाकर अपनी बहन बन करके, उसे भाई बना करके रक्षाबंधन कीजिए, राखी बांधिए। जब वो तुम्हें पूछेगा कि बहन तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम उससे अपना चौकीदार यानी विष्णु भगवान को मांग लेना। लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री बन करके पाताल लोक गई। रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी यानी रक्षाबंधन राजा बलि को बांधा। तो उस समय रक्षाबंधन के बाद भाई ने बहन को कुछ देना होता है, तो राजा बलि ने कहा बहन तुम्हें क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा मुझे अपना ये चौकीदार दे दीजिए। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, आपने मांगा मैंने दिया। और लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को लेकर के जब चलने लगी, तो राजा बलि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज बहन जी आप साधारण तो हैं नहीं, मेरे चौकीदार को ही मांगा सब कुछ छोड़कर, अपना परिचय दीजिए। तो लक्ष्मी और नारायण ने उसे दर्शन दिए और उसे आशा आशीर्वाद शुभकामनाएं दे करके अपने वैकुंठ धाम को वापस चले आए। तभी से यह मंत्र जो है प्रचलित हो गया, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे मांचल मांचला। यानी जैसे बलि राजा ने रक्षा सूत्र बांधने के बाद अपनी रक्षा की थी और हर प्रकार से लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न किया था, उसी प्रकार से जो कोई भी ये रक्षा सूत्र बांधे या जिसके बांधा जाए, उन दोनों का कल्याण हो और हर तरह से सुख समृद्धि उन्हें जीवन भर प्राप्त होती रहे, हर प्रकार की परेशानियाँ दूर होती रहे। रक्षाबंधन की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।